वैसे तो 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, अगर 2 लाख रुपए देते हैं तो ये आपको 7,10,000 रुपए की पड़ेगी एक एक साल के टाइम। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। मैं मॉडल बताएं, ये 91 है, ये 96 है, वो 2010 है। मार्केट में आया यहाँ पर एक ये गाड़ी है, या मेरे पीछे देख रहे हैं एक ये गाड़ी हो गई, एक इसके बगल में गाड़ी है, एक ये गाड़ी हो गई और एक ये गाड़ी हो गई। ये मार्केट में कह रहा है कि मैं गाड़ियाँ बेचूंगा और तीनों गाड़ियाँ आपको इंस्टॉलमेंट पे दे दूंगा। नहीं, मैं नहीं मानता। यानी किस्तों पर मिलने वाली ये तीन गाड़ियाँ। डिटेल पूरी वीडियो को आप इजी करके देखें, मैं एक एक चीज़ आपको वाजे करके बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जनाब पहले स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सुजुकी हायरो बोलान का मॉडल और सच्ची मान प्राइस भी भाई बता रहे हैं ऐसे कम से कम प्राइस मार्केट में अच्छे प्राइस। ये मॉडल बताओ कौन सा, ये कौन सा? 2010 96 91। सही है भाई, तो ये 10 का मॉडल और पैसे बता रहे कि भाई मार्केट में कम से कम बजट के अंदर गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात इंस्टॉलमेंट पे काफ़ी दुख कह रहे थे कि फारूक भाई कोई ऐसी सेटिंग है मार्केट में कोई इंस्टॉलमेंट गाड़ी मिल सकती है, तो वाकई भाई हो गई ऐसी सेटिंग हो गई कि मार्केट में जो है आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ियाँ मिल जाएंगी। कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ आपको इस पूरी वीडियो में। तो 2010 का ये मॉडल है, नंबर प्लेट इसकी ओरिजिनल आप देख सकते हैं लगी हुई है इसकी। गाड़ी का फ्रंट वगैरह मैं चेक करता हूँ, तो आप यहाँ से चेक करेंगे तो अच्छी कंडीशन के अंदर लग रहा है और शीशा वगैरह भी साफ सुथरा है। और थोड़ा सा आते हैं गाड़ी के साइड के ऊपर, तो यहाँ से दरवाजे वगैरह मैं चेक करता हूँ तो दरवाज़ा मुझे ठीक ठाक लग रहा है, व्हील वगैरह कंडीशन उम्दा है। ठीक है, और पायदान वगैरह की सेटिंग पूरी मैं आपको चेक करा देता हूँ इजी होके। और यहाँ से दरवाजे की चादर वगैरह चेक करते हैं, थोड़ी सेटिंग पिलर की देखते हैं और पिलर को थोड़ा ठक ठक करते हैं ऐसे। ठीक है भाई, तो एक नंबर गाड़ी है, एक नंबर गाड़ी है, पक्की बात है भाई। अच्छा जी, अच्छा भाई बता रहे एक नंबर गाड़ी है। इसकी छत वगैरह भी चेक करें तो भाई इसके अंदर बट्टी पैंट वगैरह लगा हुआ है और चादर वगैरह की पूरी सेटिंग इस तरीके से चेक करें। थोड़ा पीछे की साइड पे आते हैं, अंदर से नो डाउट फुल गाड़ी जेन्युइन कंडीशन में मिलेगी। इस तरीके से चादर विजिट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्पेयर व्हील वगैरह रखा हुआ है, अगर चाहें तो CNG कोई सेटिंग वगैरह हो तो आपको ईजिली यहाँ से पूरा स्पेस यहाँ से मिल जाता है। गाड़ी के यहीं से अंदर चलते हैं, तो यहाँ से ज़रा गाड़ी को चेक करते हैं तो आपको यहाँ से पूरा आपको नज़र आ जाएगा। कपड़ा लगा हुआ है, अगर अच्छा बनाने चाहेंगे तो उस पर 25,000 से लेकर तक 1 लाख का मैक्सिमम खर्चा है, और जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी गाड़ी के जोड़ वगैरह चेक करते हैं यहाँ से, तो पूरे जोड़ आपको ईजिली नज़र आ जाएंगे। ठीक है जी, तो और थोड़ा नज़दीक चेक करते हैं तो जंग वगैरह नहीं है, अलबत्त कोई ज़्यादा टूट फूट का शिकार नहीं है, गाड़ी ठीक ठाक कंडीशन के अंदर गाड़ी है। थोड़ा सा दरवाजे के साथ में आते हैं, यहाँ से चेक करते हैं गाड़ी को और यहाँ से थोड़ा सा चेक करते हैं गाड़ी का पायदान वगैरह की सेटिंग, थोड़ी स्लाइडिंग चेक करते हैं गाड़ी की। ठीक है भाई, स्लाइडिंग भी ठीक ठाक है। और अंदर चलते हैं गाड़ी के, दरवाज़ा खुल गया मज़े से और पूरा मैनुअल ट्रांसमिशन है, आपको हैंडल से शीशा ओपन नीचे करना पड़ेगा, यहाँ से लॉक हो जाएगा। और इस तरीके से पूरी सेटिंग मिलेंगी, डैशबोर्ड वगैरह यहाँ पर आपको इजीली नज़र आ जाएगा। एम वगैरह की सेटिंग गाड़ी के अंदर है नहीं, अगर आप चाहेंगे तो वो भी हो जाएगी। इस तरीके से गाड़ी की टोटल कंडीशन आपको मैं चेक करा दिए। तो ये गाड़ी है 2010 का मॉडल है और इसके साथ एक दूसरा मॉडल भी आपको चेक कराने वाला हूँ। देखिए देखो, अच्छा ये गाड़ी भी, ये तीन गाड़ियाँ हैं, तीनों गाड़ियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टॉलमेंट की मिल जाएंगी। अच्छा ये गाड़ी जैसे ऐसे नज़र आ रही थी, पूरी गाड़ी अंदर से मॉडिफाइड है, सीटें वीटें इसकी यहीं से नज़र आ रही हैं गाड़ी की, तो ये गाड़ी भी आपको अच्छे पैसों में मिलने वाली है। सामने आते हैं गाड़ी के फ्रंट पर आते हैं, तो यहाँ से गाड़ी को चेक करते हैं तो भाई इसकी लाइट्स वाइट चेक करते हैं तो शशके वशके लगे हुए सामने के, स्टिकर रैपिंग वगैरह शीशा वगैरह चेक करेंगे तो अच्छी कंडीशन के अंदर पाइपिंग वगैरह गाड़ी की अच्छी नज़र आ रही है। और थोड़ा आते हैं गाड़ी के साइड के ऊपर, तो यहाँ पर व्हील वगैरह चेक करते हैं तो आपको चारों व्हील के अंदर व्हील के स्टील पोस्ट के साथ मिल जाता है। दरवाज़ा वगैरह चेक करते हैं गाड़ी का तो अच्छी कंडीशन के अंदर है, और दरवाजे के अंदर की और सीटों की रैपिंग वगैरह चेक करते हैं तो सीट्स वगैरह सब ठीक ठाक कंडीशन के अंदर है। थोड़ा सा यहाँ से आपको चेक करा देता हूँ किस तरीके से गाड़ी आपको नज़र आएगी, तो पूरी बड़ी सी छत वगैरह पूरी बनी हुई है, LED लाइट्स पंखे शंखे सारी चीज़ें लगी हुई हैं, पूरी गाड़ी अंदर से मॉडिफाइड है और यहाँ पर रेड और ब्लैक की कॉम्बिनेशन दी हुई है। अच्छा यहाँ पर जो है बटन वगैरह दिए हुए लाइट्स वगैरह की खूबसूरती के लिए, और यहाँ पर एडवर्टाइज रखा हुआ है आपसे कोने रख के जो गाड़ी चला सकते हैं। बाकी यहाँ से अंदर चेक करते हैं तो पूरी गाड़ी आपको तकरीबन सेम रैपिंग के अंदर गाड़ी मिल जाती है। अंदर आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम चेक करते हैं थोड़ा गाड़ी के अंदर, इसका पायदान वगैरह चेक करते हैं या बैटरी की सेटिंग है, वायर वगैरह आपको यहाँ से नज़र आती रहेंगी। और ये सीट्स वगैरह आप चेक करें तो कुशन वाली यहाँ पर सीटें मिल जाती हैं। अच्छा ये स्टेट है, इसके अंदर कुछ डिज़ाइन वाली सीटें भी आती हैं। इस तरीके से बाकी इसकी केचियाँ वगैरह यहाँ से चेक करते हैं, पिलर की सेटिंग वगैरह आपको ईजिली नज़र आ जाएगी। थोड़ा आते हैं गाड़ी की बैक साइड को, यहाँ से गाड़ी को विजिट करते हैं तो यहाँ पर DP लगी हुई है गाड़ी के अंदर एक,
और ऊपर एंटीना वेंटीना ये खूबसूरती है छज के। मगर एक लगेज के लिए एक स्टैंड लगा हुआ है पीछे, तो आप चाहे तो उसके ऊपर सामान वगैरह लगेज वगैरह के लिए एक चीज़ काम आ सकती है। ठीक है जी। अच्छा, ये लाइट वगैरह इजीली चेक कर सकते हैं आप। और पीछे यहाँ पर एक पैनल लगा हुआ है और ये भी अच्छा खासा मजबूत है, ये सेफ्टी के लिए भी। और पाइप की बनस्पत थोड़ा सा ये अच्छा रहता है क्यों, इससे ज़रा सेफ्टी ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से गाड़ी आप चेक करें। बाकी आते हैं इसके स्टेयर रूम की तरफ, जो कि वहाँ से दिखा चुका हूँ, और यहाँ से दोबारा चेक करें। तो दरवाज़ा खुल चुका है यहाँ से, पूरा मैनुअल ट्रांसमिशन जो है देखिए मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से। तो ये पूरी सेटिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये दूसरी गाड़ी हो गई। मेरी कोशिश है कि आपको कम से कम वक्त में पूरी गाड़ी अच्छी तरीके से दिखा सकूँ। तो इस तरीके से आप विजिट करें गाड़ी। ये देखिए पूरे इसकी छत बनी हुई है, ये पंखे इस तरफ लगे हुए हैं, ये पंखे इस तरफ लगे हुए हैं, और ये इसका पूरा फ्रंट व्यू है। इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा, ये सेंटर लुकिंग है इसकी। अच्छा, एक ये मॉडल हो गया। इसके साथ एक और मॉडल मैं आपको चेक कराने वाला हूँ जनाब अली। अच्छा, एक मॉडल ये हो गया। ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल आप वीडियो को देखते रहिए, लास्ट में आपको कंप्लीट प्राइस के साथ कंप्लीट डिटेल में देने वाला हूँ। और एक बात ध्यान में रखिए, भाई बता रहे हैं मैं इंस्टॉलमेंट दे दूँगा, डाउन पेमेंट के साथ पूरी गाड़ी आपको इंस्टॉलमेंट के साथ मिल जाएगी गाड़ी की। तो इस तरीके से जो काफ़ी दोस्त चाह रहे हैं कि भाई हमें जो है ना कुछ गाड़ियाँ किस्तों पर मिल जाए, तो उनके लिए अच्छी बात है कि उनको इन तकरीबन तीन हाईरूफ या गालिबन चार हैं इनके पास एक रखी है, तो चार गाड़ियाँ आपको इंस्टॉलमेंट के साथ मिल जाएंगी गाड़ियाँ। तो जो भाई चाहते हैं कि भाई हमें जो है ना गाड़ियाँ कुछ इस तरीके से मिले, कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह जो है ना हो जाए, तो ये गाड़ियाँ इंस्टॉलमेंट के साथ आपको इजीली मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। तो इस तरीके से गाड़ियाँ पूरी चेक करें। इसकी छत वगैरह भी आपको इजीली नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, और थोड़ा सा गाड़ी के अंदर आते हैं, इसकी स्लाइडिंग वगैरह भी चेक करते हैं कैसी। तो नो डाउट इसकी स्लाइडिंग बड़ी अच्छी तरीके से हो रही है। अंदर का सीन क्या है, ब्लैक एंड वाइट सीन है इस गाड़ी के अंदर का। अंदर पायदान की सेटिंग भी साफ़ सुथरी सेटिंग है, इसकी बैटरी वगैरह भी लगी हुई वहाँ से। और ये सीटों की सेटिंग वगैरह आप चेक करें यहाँ से, सामने का दरवाज़ा वगैरह भी आपको इजीली नज़र आ रहा होगा। और ये सीट्स वगैरह आप चेक करें इसे, तो इसकी चादर वगैरह तो इसकी भी अच्छी लग रही है, पिलर वगैरह की सेटिंग और ये चीज़ें आपने देखनी होती है, ये सारी चीज़ें आप चेक करें इस तरीके से। तो छत की पूरी सेटिंग चेक करें यहाँ से, एंटीना वगैरह की सेटिंग, ऊपर लगेज के स्टैंड की सेटिंग चेक करें इस तरीके से। सारी चीज़ें आपने एक एक करके देखनी है। छत इसकी भी बनी हुई इस तरीके से आप देखेंगे, तो ये पंखे लगे हुए हैं और ये पंखा लगा हुआ है, ये ऊपर एलईडी लाइट। और इस तरीके से आप चेक करेंगे तो पूरी गाड़ी तकरीबन ऊपर पूरी बनी हुई है, फुल मॉडिफाइड गाड़ी है। तो धूप के हिसाब से गाड़ी अच्छी पड़ जाएगी, और रोशनी वगैरह के हिसाब से ब्लैक एंड वाइट थोड़ा सा डार्क शेड है मगर चलेगा। और यहाँ पर आते हैं बैक साइड के ऊपर, तो यहाँ पर भाई काफ़ी यहाँ पर स्टिकर और डीपी वगैरह में यहाँ पर मिल जाती लगी हुई। ऊपर यहाँ पर शेर का मोनोग्राम ये रहा। ठीक है जी, और ये देखें ये पूरी गाड़ी आपको इस तरीके से नज़र आएगी। ठीक ठाक है, एम वगैरह गाड़ी के अंदर है नहीं, ये ज़रा चेक करेंगे। तो एम गाड़ी के अंदर शायद लगा हुआ है, एम लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, कंप्लीट सिस्टम लगा हुआ है भाई, ज़बरदस्त। और इस तरीके से देखेंगे तो पूरा अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है गाड़ी का यहाँ से। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट की सेटिंग बनी हुई है, लेदर कवर जो है ना इनके पूरे ब्लैक एंड वाइट छट के, यहाँ से भी चेक करें। और ये इधर पीछे आते हैं तो यहाँ से भी चेक करेंगे, तो पूरे ब्लैक एंड वाइट कवर की सेटिंग है यहाँ पर। तो इस तरीके से सारी चीज़ें एक एक करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आप मुतमिन हो जाएं कि यार हमें फारूक भाई अपनी गाड़ी आप दिखाइए, गाड़ी अच्छे तरीके से हमने देख ली है। बाकी ओनर की कंप्लीट डिटेल वगैरह मैं आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है ना गाड़ी देंगे, क्या इंस्टॉलमेंट की सेटिंग है और किस तरीके से गाड़ी आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, नाम बताएं भाई अपना। हसान अहमद। हसान अहमद, तीन गाड़ी है जी बिल्कुल। अच्छा, इसका मॉडल बताएं। ये 91 है, ये 96 है, वो 2010 है। ठीक है। अच्छा, इसकी क्या वैल्यू करेंगे, इसकी कितने इसके इसके ओनर होंगे, थर्ड या सेकंड ओनर गाड़ी है। सेकंड ओनर गाड़ी है, वैसे डिमांड क्या है? डिमांड इसकी 4.5 लाख। 4.5 लाख की डिमांड। ठीक है, इसके अंदर कोई कैश में, पहले कैश की सेटिंग बताएं, क्या कमी गुंजाइश हो सकती है इसके अंदर कैश में? ये आपको फाइनल 4,30,000 रुपए पड़ जाएगी। उसके साथ इस पे आते हैं ये 96 का मॉडल है, 1996 का मॉडल है बता रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी ओनर तकरीबन सेकंड या थर्ड ओनर ये सेटिंग होगी। ठीक है ना। और उसमें आप इसकी डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड 5,20,000। 5,20,000 डिमांड कर रहे हैं, जबरदस्त यार। और फिर इसमें फाइनल क्या करेंगे? ये फाइनल आपको पड़ जाएगी 5 लाख रुपए की। 5 लाख फाइनल। उसके साथ
2010 का मॉडल है, ये 2010 का मॉडल है, अंदर से बिल्कुल ओरिजिनल है गाड़ी, चलने में बिल्कुल कोई काम नहीं है, चारों टायर टूपलेस हैं गाड़ी के, बाहर से पतला शावर हुआ हुआ है, कोई पोलीगेट से नहीं बनी हुई गाड़ी। ठीक है, और इसकी क्या डिमांड है? इसकी 7,60,000 रुपए डिमांड, 7,60,000 डिमांड है। और कैश में कमी गुंजाइश क्या हो जाएगी? कैश में आपको पड़ जाएगी 7,30,000 रुपए की, बिल्कुल इसकी बिल्कुल देने वाली पड़ जाएगी। लोकेशन वगैरह सबसे पहले बताएं मुझे। लोकेशन है हमारी नज मेट्रो सिनेमा औरंगी टाउन कराची। अच्छा, और शोरूम का नाम है वली खान मोटर्स। ठीक है, अच्छा अब मुझे वो अपना बताओ कि आप इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से गाड़ी मिलेगी? देखिए, डाउन पेमेंट देने पे, डाउन पेमेंट कम से कम 50% और उसके बाद कितना टाइम और कितना देंगे? हम साल के टाइम पे देते हैं, एक साल के टाइम पे मिलेगी गाड़ी, ऊपर नहीं देंगे। यानी एक गाड़ी अगर 4.5 लाख रुपए की, 2 लाख डाउन पेमेंट देके गाड़ी ले ले जी, और फिर जो भी एक साल के अंदर महीना, अच्छा फर्स्ट के उस महीने में कोई ऊंच नीच तो नहीं होगी ना, उसमें पैसे नहीं पड़ेंगे? नहीं, कोई नहीं पड़ेंगे, वो सूद कहलाता है अगर पैसे बढ़ाता है। ये मैं क्लियर करना था। तो ये तीन गाड़ियां, एक 2010, एक 1996, एक 1991, ये तीनों गाड़ियां इस हिसाब से आपको उसी हिसाब पे मिल जाएंगी या उसमें कुछ पैसे बढ़ेंगे? ये नहीं, उसी हिसाब पे नहीं मिलेगी, बढ़ेंगे। कितने पैसे बढ़ेंगे ये बताएं? ये तो साल के टाइम पे, किसी को साल के टाइम पे चाहिए, मुझे पता है। अगर ये गाड़ी आपने तकरीबन 7 लाख रुपए जी, अब ये 7,30,000 रुपए की है कैश पे, तो वैसे कैश पे 7 की पड़ेगी? नहीं, 7,30 की पड़ेगी, कैश पे 7,30 से कम नहीं। अगर ये गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेंगे, कम 3 लाख रुपए एडवांस होगा इसका, सही है, और कुल कीमत एक साल के टाइम पे ये पड़ेगी आपको 9.5 लाख रुपए की, 9.5 लाख तकरीबन, ये 2 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हर गाड़ी के ऊपर यही है, हर गाड़ी के ऊपर 1 लाख तकरीबन 2 लाख इस पे पड़ेगा। अब ये 96 का मॉडल है, अगर इसमें वैसे तो 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, अगर 2 लाख रुपए देते हैं तो ये आपको 7,10,000 रुपए की पड़ेगी एक साल के टाइम पे। वो 91 है, अगर आप उसमें 2 लाख रुपए एडवांस देते हैं तो वो आपको पड़ेगी 6.5 लाख रुपए की एक साल के टाइम पर। एक साल जी। कॉन्टेक्ट नंबर दोबारा अपना शेयर, 0318-237-7445। अच्छा, और लोकेशन वगैरह बताओ? लोकेशन है नज मेट्रो सिनेमा औरंगी टाउन कराची। सनम तो ऐसा ही है, मगर अब गाड़ी मैंने आपको दिखा दी है, तीन गाड़ियाँ हैं, और जाहिर सी बात है अब इन्होंने प्राइस जो बताया तकरीबन 3 गाड़ियों की, तो मैं तो आपको एक राय, अपनी राय ये दूंगा कि इस तरीके से अगर हम इंस्टॉलमेंट भी लेते हैं तो पैसे काफ़ी बढ़ रहे हैं इसके, तो तकरीबन एक गाड़ी के ऊपर अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 2 लाख रुपये का तकरीबन डिफरेंस आ रहा है गाड़ी के ऊपर। तो जाहिर सी बात है जो बंदा इंस्टॉलमेंट पर देगा आपको, तो गाड़ियों के कुछ पैसे बढ़ेंगे तो सही। मैं ये आपको गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर 2.5 लाख में भी एक गाड़ी मिल जाएगी, उसके बाद आप चलाते रहें एक साल के हिसाब से, उसको आप पैसे देने तो तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख ऊपर जाएंगे आपके। तो मेरा मशवरा तो ये है कि गाड़ी लेंगे कैश के ऊपर लें, किसी को मत लें, फिर भी किसी को नीड है गाड़ी लेने की तो भाई वो ले सकता है गाड़ी। नंबर कंप्लीट डिटेल मैंने वीडियो के अंदर डाल दिए, तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखनी है और उसके बाद आप मुझे बताएं कि भाई ये राय ठीक है या वाकई आप किस्तों पर लेना चाहते हैं।